दोस्तों, अगर आप भी भारत और साउथ अफ्रीका महिला टीम के बीच रोमांचक मुकाबला देखने के लिए उत्साहित हो तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार जो आईसीसी महिला विश्व कप का मुकाबला भारत और साउथ अफ्रीका महिला टीम के बीच में खेला जाने वाला है उसी की लाइव अपडेट के बारे में वो सब तो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी क्या मानते हो कि भारत और साउथ अफ्रीका में से कौन सी टीम है ज्यादा मजबूत? किसी एक टीम का नाम नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों, भारतीय महिला टीम अभी फिलहाल आईसीसी विश्व कप 2022 में हिस्सा ले रही है और इस दौरान भारतीय महिला टीम ने 3 में से 2 मुकाबले जीत भी चुके हैं। जी हां, ये दोनों ही मुकाबले भारत ने काफी अच्छी टीमों के खिलाफ जीते थे। जहां पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए पहले मुकाबले में भारतीय महिला टीम को 107 रनों से जीत मिली थी, तो वहीं न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय महिला टीम को 62 रनों से हार का सामना भले ही करना पड़ा था, लेकिन फिर अगले मुकाबले में जो कि वेस्टइंडीज के खिलाफ गया था उसमें भारतीय महिला टीम ने काफी बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया और उस मुकाबले को 155 रनों से जीता। तो इसी के साथ भारतीय टीम का मनोबल अब काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है और भारतीय महिला टीम यही चाहेगी कि होने वाला अगला मुकाबला वो जीतकर आईसीसी महिला विश्व कप 2022 की पॉइंट टेबल में वो टॉप का स्थान हासिल करे। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की टीम अभी टॉप पर है, लेकिन इसी बीच हम आपको बता दें कि भारतीय महिला टीम का अब अगला मुकाबला साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला जाएगा, जहां पर आप सभी को भारत और साउथ अफ्रीका महिला टीम आपस में भिड़ती हुई दिखाई देगी। जी हां दोस्तों, यहां पर भारतीय महिला टीम ने तो 2 मुकाबले जैसे जीते हैं, वैसे ही 2 मुकाबले साउथ अफ्रीका महिला टीम भी जीत चुकी है और दोनों ही टीमों के बीच में कांटे की टक्कर हम सभी को देखने के लिए मिलने वाली है। हालांकि दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारतीय महिला टीम और साउथ अफ्रीका महिला टीम के बीच में जो रोमांचक मुकाबला खेला जाएगा वो आप सभी को 27 मार्च को होता हुआ दिखाई देगा, जहां पर आप सभी इस मुकाबले का लाइव प्रसारण सुबह 6:30 बजे से अपनी टेलीविजन पर भी देख सकोगे। तो वहीं हम आपको बता दें कि इस मुकाबले का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क्स के चैनल पर किया जाएगा और वहीं इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग आप सभी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकोगे। हालांकि अगर हम बात करें दोनों ही टीमों के आंकड़ों के बारे में तो दोस्तों, दोनों ही टीमें लगभग बराबरी के आंकड़ों पर आकर टिकती हैं और यहां तक कि साउथ अफ्रीका की टीम भारतीय महिला टीम से थोड़ा एक कदम और आगे है, क्योंकि आईसीसी विश्व कप 2022 में साउथ अफ्रीका की टीम काफी ज्यादा टक्कर टीमों को देती हुई नजर आई है। और वहीं आइए अब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार भारत और साउथ अफ्रीका महिला टीम की तरफ से आप सभी को कौन सी खिलाड़ी खेलती हुई नजर आने वाली है। तो दोस्तों, इस लिस्ट में जो भारतीय महिला टीम की तरफ से खेलती हुई नजर आएंगी उसमें नाम निकल कर आता है मिताली राज का, सेबिनिनी मेघना, सैफाली वर्मा, स्मृति मांदना, यास्तिका भाटिया, दीप्ति शर्मा, हरमनप्रीत कौर, स्नेह राणा, ऋचा घोष, तानिया भाटिया, एकता बिष्ट, झूलन गोस्वामी, मेघना सिंह, पूजा वस्त्रकार, पूनम यादव, राजेश्वरी गायकवाड़, रेणुका सिंह और सिमरन बहादुर। तो ऐसे में दोस्तों, यही होंगी भारतीय महिला टीम की खिलाड़ी जो कि आप सभी को साउथ अफ्रीका महिला टीम के खिलाफ खेलती हुई नजर आने वाली है। तो ऐसे में दोस्तों, अब आप सभी की क्या राय है भारतीय महिला टीम के बारे में और आपको क्या लगता है, क्या भारतीय महिला टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले जाने वाले इस रोमांचक मुकाबले में जीत हासिल कर पाने में कामयाब होगी या फिर नहीं? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।